पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें याद होना चाहिए, जिस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए, वैसी तैयारी हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हम ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं हमारी तैयारी के दौरान जो हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ उस बारे में आप हमें बताइए। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा वो इसी रिगार्डिंग रहेगा कि आप पढ़ाई करते समय जो कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं उनके ऊपर आप कंट्रोल कैसे करें, पढ़ने का सही नियम क्या हो आपका, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें और फिर अपनी स्टडी को पूरा 100% आप टाइम दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है अपनी स्टडी के दौरान, जिस पर हम अपनी चर्चा कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का एक ही कमेंट हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि मैडम मैं 5 से 6 घंटे पढ़ रही हूँ, मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ, मैं जीके भी बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगती हूँ तो फिर मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, या फिर जो मैंने पढ़ लिया है मैडम वो मैं उसको पूरा अच्छे से याद नहीं हो पाता है मुझसे, मेरा उसके अंदर पूरा ध्यान नहीं लग पाता है। तो क्या गलती मेरे से हो रही है जो मुझे नहीं करनी चाहिए? तो मैं देखो आपसे कुछ बातें डिस्कस करती हूँ। पहली बात तो आपका पढ़ने का तरीका क्या है, वो कैसा है? देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी बुक्स अपने पास रख लेते हैं, जैसे वो हिस्ट्री भी, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफी भी, आपकी साइकोलॉजी की बुक भी है, आपके करंट की भी है, ठीक है। हम पढ़ने बैठे, हमने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, स्टार्ट करते ही हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हिस्ट्री खोल लिया, ठीक है, जैसा कि सारे बच्चे करते हैं, मैं वो आपको नॉर्मली बता रही हूँ जो मैंने नोटिस किया है और कहीं ना कहीं मैं भी पहले ऐसे किया करती थी, तो मैं वो बात आपसे डिस्कस कर रही हूँ। मान लिया हिस्ट्री वो उसने खोली, हिस्ट्री में उसने टॉपिक पढ़ा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण वो पूरा पढ़े जा रहा है, उसने पूरा एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज उसने पढ़ा और तीसरा पेज पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग चला कि नहीं यार इसमें मेरा मन नहीं लग रहा, इसको छोड़ो, ये नहीं करूँगी मैं, तो ये नहीं पढ़ना मुझे, तो इसको हमने रखा साइड में, ठीक है, हम उसके ऊपर पूरा नहीं रहे, हमने उसको रख दी साइड में। फिर हम आ गए, नहीं हम बोले नहीं यार मेरा मन तो क्या कर रहा है, ज्योग्राफी का कर रहा है, ठीक है, मन आपका नहीं करता, आपका दिमाग बोलता है ये चीज़, ठीक है, आप ज्योग्राफी में लग गए, ज्योग्राफी में आप पढ़ने लगे, ज्योग्राफी में आपने अरावली स्टार्ट करी, अरावली में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आपने रट्टा लगाना स्टार्ट किया कि भाई ये वाली सबसे बड़ी है, फिर ये है, ये है, और थोड़ी देर बाद में 10 मिनट बाद में आपको लगा नहीं ये तो मुझे याद है पहले से ही, और इसमें क्या है, इतना ही तो आता ही है, इसको क्या इतना मुझे पढ़ना है, इसको छोड़ो, अपन तो आर्ट एंड कल्चर का कुछ पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, कभी आप हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक आपने पढ़ा उसको छोड़ दिया, फिर आपके सामने ज्योग्राफी की बुक है आपने उसको पढ़ा उसको भी छोड़ दिया, ठीक है, पूरा नहीं पढ़ा आपने, पूरा उसको नहीं पढ़ा आपके पास, फिर आ गया, फिर आपको करंट पढ़ने का एकदम से मन हो गया कि आप मुझे करंट पढ़ना चाहिए, फिर करंट में भी आप खो रखे हो कि मुझे योजनाएं पढ़नी चाहिए या मुझे आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए या मुझे खेल पढ़ना चाहिए, आप वो दिमाग लगा रहे हो, उसके अंदर भी आप पूरा नहीं पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत खेल को पढ़ लिया, फिर आपने आर्थिक समीक्षा को पढ़ लिया, फिर आपने व्यक्तित्व को पढ़ लिया, पुरस्कार पढ़ लिया, लेकिन आपने जैसे पुरस्कार पढ़ा तो पुरस्कार को पूरा नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ये गलतियां हमसे होती हैं, और फिर जब ये आधे एक घंटे तक ये पूरा गेम चलता है अपना कि 10 मिनट ये पढ़ा, 15 मिनट ये पढ़ा, 10 मिनट ये पढ़ा, उसके बाद में हम हो जाते हैं बोर, फिर क्या तो हम बाहर चले जाते हैं अपने, मतलब जो अपना स्टडी है हम एक बार उठ जाते हैं कि थोड़ा सा घूम फिर आते हैं तो मेरा मन लग जाएगा, कहीं ना कहीं मैं किसी टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाऊंगा, या फिर आप किसी और एक्टिविटी में अपने फ़ोन के अंदर लग जाते हो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोल लेते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लग जाते हो, और फिर आप आके जब आप 3-4 घंटे बाद में यही रूटीन फॉलो करके आप अपने घर पर आते हो या फिर आप पढ़ाई करके उठते हो तो आप क्या बोलते हो कि मैंने पढ़ाई तो इतनी करी पर मुझे याद तो आज एक भी टॉपिक नहीं हुआ, कि मैं आज लाइब्रेरी में गई या फिर मैंने मेरे स्टडी टेबल पे मैंने इतना पढ़ा पर मुझे याद तो कुछ भी नहीं है। शाम को आपने राजस्थान के एकीकरण, क्योंकि आपने 10-15 मिनट पढ़ा था उसको, आपने 10 से 15 मिनट जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको पता चला रहे मुझे तो कुछ याद ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ याद,
क्यों नहीं हुआ याद, ये सवाल अपने मन से पूछिए, कहाँ आपने गलती करी, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो जब भी आप, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे आप घर पे पढ़ रहे हो, पढ़ने का कोई भी प्लेस हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी में ही पढ़ाई होती है। लाइब्रेरी तो आज चलने लगी है, पहले लोग घर पे ही पढ़ते थे। मान लिया आपने आज की पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी आपके टाइम टेबल, आपके रूटीन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पहले दिन ही ये सोच के चलिए कि मुझे नेक्स्ट दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक आपके सेलेक्टिव होने चाहिए। मान लिया आपको सिर्फ आपने टॉपिक पढ़े चार, आपने चार टॉपिक्स डिस्कस कर लिए कि मुझे हिस्ट्री में से ये पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी में से ये पढ़ना है, मुझे आर्ट एंड कल्चर से ये पढ़ना है, या जो भी आपका हो सकता है, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपने अपने टॉपिक डिसाइड कर लिए, ठीक है। पहली बात तो ये, टॉपिक कैसे डिसाइड करने हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कि मोस्टली ये चीज़ें हैं जो कि हमेशा आती ही है, तो इन चीज़ों को मुझे पहले इसको कर लेना है। जैसे मैं बात करूँ सभ्यता हमेशा आती, तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभ्यता को हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हमें याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक हमने डिसाइड कर लिए। मान लिया मैंने कल डिसाइड कर लिया था कि आज मैं पढ़ूंगी राजस्थान का एकीकरण, अरावली पढ़ूंगी मैं, और मैं मेले और त्यौहार पढ़ूंगी, ठीक है। मैंने ये डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब जब मैं दूसरे दिन जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक मैंने स्टार्ट सेलेक्ट किए थे, सिर्फ मैं उसी की बुक लूँगी, ठीक है। मान लिया मैंने क्या लिया था, राजस्थान का एकीकरण, तो मैं वो राजस्थान जो हिस्ट्री की बुक है उसमें से, हिस्ट्री की बुक है या जो मेरे पास नोट्स है, जो भी आपके पास है, आप उस राजस्थान के एकीकरण को खोल लीजिए अपनी गाइड में, आपकी बुक में या फिर आपके नोट्स में, और फिर पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पूरे टाइम तक उसको पढ़िए, सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़िए, स्विच मत कर जाइए। जल्दी से आप स्विच मत कीजिए कि आपने 10 मिनट पढ़ा और फिर आपने उसको स्विच कर दिया, नहीं, 10 मिनट में कोई याद नहीं होता है। आप उसको पूरा डिटेल से अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर कंट्रोल करके पढ़िए, ठीक है। टाइम आप अपना सेट कर लीजिए कि अगले आधे घंटे या एक घंटे तक मुझे सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ना है, मुझे इधर उधर कोई बात में ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट रख लेना है और उसको बिल्कुल कैसे स्क्रीन को नीचे रख देना है, मतलब ऐसे उल्टा करके रख देना है, ताकि उसके अंदर आने वाले नोटिफिकेशन आपको ना दिखे। और अगर आप फ़ोन को यूज़ नहीं करो तैयारी के दौरान, तो वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर भी आजकल का ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, कुछ चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल भी है, जैसे यूट्यूब पे कुछ टॉपिक हम पढ़ लेते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, तो वो काफ़ी हमारी मदद मिलती है। तो आप उसका सही रूप से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। आप, मैं तो ऐसे ही करती थी, मैं अपना टॉपिक डिसाइड कर लेती थी, फिर मैं उस पूरे को पढ़ती थी, और उस दौरान जब मेरा टाइम, मेरे पास वॉच तो रहती है सबके पास, उसमें टाइम में देख लेती थी कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, उस दौरान मैं उसको पूरा पढ़ लेती थी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी मैं कर लेती थी। जब मेरा वो टॉपिक हो गया, चाहे वो आधे घंटे में हुआ हो, चाहे वो 45 मिनट में हुआ, चाहे मेरा 20 मिनट में हुआ, 20 मिनट में होना अगर पहली बार में आप पढ़ रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, आपको टाइम लगेगा। मान लिया 40 से 45 मिनट में आपका वो टॉपिक आपको याद हो गया, उसके बाद आंखें बंद करके आप उसका मन में रिवीजन कीजिए कि जो आपने कॉपी के अंदर लिखा या नोट्स में था, आप वो उस चीज़ को बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। और जब ये सब चीज़ हो जाए, तो अपनी जगह से उठिए, थोड़ा घूम फिर लीजिए और पानी वानी पी लीजिए, और उसके बाद में बैठ के एक बार दोबारा आप क्या करो, नए टॉपिक को स्टार्ट कर लो। इससे क्या होगा, आपने एक टॉपिक को पूरा पढ़ा, फिर थोड़ा गैप आपका आया, आपने दूसरे टॉपिक को पढ़ा, तो एक दिन के अंदर आपके 4 से 5 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, 10-10 घंटे, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली में वो स्मार्ट स्टडी नहीं है, वो तो आप टाइम पास कर रहे हो, अपने घर वालों को दिखा रहे हो, अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी नहीं है आपकी, ठीक है। आप जो 10 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें से 5 घंटे तो आप अपने फ़ोन को ही दे रही हो, ठीक है। 2 घंटे आप दोस्तों से बाहर बात करने में दे रहे हो, 3 घंटे में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि पढ़े तो क्या पढ़े, और फिर आप परेशान हो जाते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, ये क्या हो रहा है, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरा तो शायद मैंने कोचिंग गलत कर ली, शायद मेरे पास मैटर सफिशियंट था। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैटर सारा सफिशियंट होता है, जो भी होता है उन्हीं चीज़ों में से ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, हमने ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं करी, हमारा ध्यान भटकता रहा, हम उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो बेसिकली यही गलती हम बार बार करते हैं,
यही गलती क्या करते हैं हम बार बार, जिस वजह से हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा हो पाती है, हम अच्छे से उसके अंदर मन नहीं लगा पाते, कम समय में हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको टॉपिक सेलेक्टिव, आपको टॉपिक पहले से डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या पढ़ना है, और उस दिन आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपके मन को खुद को समझाना पड़ेगा, आपको आपके मन को खुद को समझाना पड़ेगा कि आप थके नहीं हो, आप थके नहीं हो, आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो। अगर कामयाबी अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो अपने आप को अनुशासित आपको करना पड़ेगा। आप छठी सातवीं के बच्चे नहीं हो जिन्हें चाटे के दम पे या डंडे के दम पे चुप कराया जा सके, उन्हें एक जगह बिठाया जा सके। आपका जो मन है उसको आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इतना ही कर सकती, मैं इतना करूँगी और करके ही रहूँगी, उससे पहले मैं यहाँ से उठूँगी ही नहीं, ठीक है। आपको कोई भी बहाना नहीं लगाना है, क्योंकि ये दुनिया बहानों की है। हम बहुत सारे बहाने, हम अपना नहीं देखते कि हमारी क्या कमी है, हम दूसरों की अपनी कमी को दूसरों के ऊपर ढाल देते हैं। समायोजन युक्तियाँ जो आप पढ़ते हो ना मनोवैज्ञानिक में, बहुत अच्छा मनोविज्ञान में वो बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम अपनी गलती का ठीकरा है वो क्या कर, सफलता का जो ठीकरा है वो दूसरे पे फोड़ देते हैं। मेरे को तो तैयारी करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास तो पैसे नहीं थे, मैं तो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, मैंने तो कोचिंग गलत कर ली, मैंने तो ऐसे कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप जिस कंडीशन में हो उससे भी दयनीय स्थिति में लोग तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को बेहतर, अपने परिणाम को दिखा रहे हैं, दुनिया में उनका परचम लहरा रहा है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको खुद से ही वादा करना है कि मैं अपने इरादों में क्या रहूँगा, मजबूत रहूँगा, मैं किसी चीज़ का बहाना नहीं लूँगा। बहाना बहाना ही होगा, वो नहीं है, आपकी कोई कमजोरी नहीं सुनेगा। आपकी सफलता जब आएगी ना तो वो सब बहाने आपकी मजबूती में बदल जाएंगे। आप खुद जब सोचोगे कि नहीं, आपको अपना पिछला दिन याद आएगा तो आपकी आंखों में अपने आप आंसू आएंगे कि उस दौरान मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, मैंने अपने मन पे क्या रखा, एक तरीके से कंट्रोल रखा, तो मैं पढ़ पाया और मैं अपनी नौकरी कर पाया, ठीक है। और नौकरी करने के बाद भी उस नौकरी को अच्छे से निभा पाया, वो भी तभी निभा पाओगे जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि कई बार नौकरी लग भी जाती है, उसके बाद में हमारी हरकतें ऐसी होती है कि हम उस नौकरी के लायक ही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मन पे है, तो मन को कंट्रोल करना सीखो, मन को कंट्रोल करना सीखो, बहाने बनाना छोड़ो, बहानों से कुछ नहीं होना है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करके अपने व्यवस्थित सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। पहले से अपनी तैयारी, पहले से अपने टॉपिक डिसाइड रखो कि आज के दिन ये पढ़ना है, ये मुझे रिवीजन करना है, ये मुझे टेस्ट सीरीज देनी है। एक साथ सब कुछ मत करो कि एक घंटे में आपने 10 मिनट में टॉपिक पढ़ लिया, 10 मिनट में टेस्ट सीरीज दे दी, 10 मिनट में आप घूमे आए, 10 मिनट आपने पानी वानी पी लिया। ऐसा नहीं करना है, ये आप टाइम पास कर रहे हो और ये टाइम की कीमत आपको बाद में पता चलेगा, जब आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपके साथ ही आपसे आगे चले जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखना है। और कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी पूरा का पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।